दोस्तों आज का टूर होगा हमारा आनंद विहार टर्मिनल से सोनभद्र के लिए, और ये हम लोग जो जर्नी है वो हम करने वाले हैं आनंद विहार टर्मिनल टू हटिया और स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन एट दिस टूर। देखते हैं क्या इसका रिस्पांस मिलता है और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी आगे देखेंगे समझेंगे। चलिए आगे की चलते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में भी हमने एक सिमिलर ही टूर किया था, पर ट्रेन दूसरी थी, उसका नाम मूरी एक्सप्रेस था, लेकिन ये स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस है। ये जो है आपको आनंद विहार टर्मिनल पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 से करीबन 8:45 पर मिलेगी, और ये ट्रेन बिल्कुल उस मूरी एक्सप्रेस से अलग है क्योंकि ये एक सुपर फास्ट है, और यहाँ से सोनभद्र के बीच में केवल 6 स्टॉपेज हैं इसके। यहाँ से चलने के बाद डायरेक्ट इसको कानपुर ही चलना है, और चलिए इसके बारे में आगे हम देखते हैं। उससे पहले एक और ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। दोस्तों ये है सुगवल देव एक्सप्रेस जो आनंद विहार से यहीं से बनकर चलती है और गाजीपुर सिटी तक जाती है। ये है सुगवल देव एक्सप्रेस और ये एक प्रीमियम ट्रेनों में से एक ये भी है। दोस्तों अब हमारे ट्रेन यानी कि स्वर्ण जयंती का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लग रही है। चलिए दिखाता हूँ आपको एक। दोस्तों ये रही स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस जो हटिया से आनंद विहार और आनंद विहार से हटिया जाती है। ये केवल 3 दिन ही इस रूट पर चलती है। अब तक आप लोगों ने बहुत सारी थर्ड क्लास या एसी कोच की वीडियोस आपने देखी ही होगी, लेकिन आज पहली बार स्लीपर कोच की वीडियो दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि स्लीपर कोच का ही रिजर्वेशन हो पाया है, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो आज होगा नो एसी। भाई बैठ तो गया हूँ लेकिन बहुत गर्मी हो रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 यानी जो सुवल देव थी वो अब चल चुकी है, मतलब कि 8:15 उसका टाइमिंग है। दोस्तों रात के 1:30 बज चुके हैं, 1:50 हो रहा है और मेरा नींद जो है थोड़ी आहट से खुल गई है, और एक्चुअली हमारी ट्रेन जो है कानपुर स्टेशन को पार कर रही है। और दोस्तों ये इसका पहला स्टॉपेज है आनंद विहार के बाद से, 65 स्टेशंस को पार करके डायरेक्ट कानपुर ही आकर रुकी है। ये एक बहुत ही सुपर डुपर बात है। दोस्तों ये ट्रेन थोड़ी ही देर में इलाहाबाद भी पहुंच जाएगी यानी प्रयागराज पहुंच जाएगी, और अभी तक नो डिले पे ये चल रही है, यानी कि कोई डिले नहीं है, एकदम ऑन टाइम चल रही है। और इस ट्रेन की एक खूबी है भी, थोड़ी देर में प्रयागराज आ जाएगा, उसको भी आपको मैं शो कर दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। और ये ट्रेन अपनी फुल स्पीड पर चल रही है, लगभग मेरे को लगता है 140-150 के करीब तो पहुँच ही जा रही होगी। देखिए ये इलाहाबाद है। अभी इस स्टेशन के बाद इसे कहीं जैसे विंध्याचल मिर्ज़ापुर कहीं नहीं रुकना है, अब ये डायरेक्ट चुनार रुकेगी और ये सभी स्टेशनों को स्किप कर देगी, और क्योंकि इसकी स्पीड भी बता रही है और एक्चुअल में इसके स्टॉपेज वहाँ पर है नहीं, और ये दम अभी भी ऑन टाइम चल रही है।
ये ट्रेन अभी जितना चाहे उतना भाग ले, लेकिन एक ऐसे स्टेशन है जैसे छत्तीसगढ़ रावतगंज, ये जैसे स्टेशन है इसके बाद से ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते आ जाते हैं कि इसको थोड़ा डिले तो होना ही है, लेकिन उसके बाद जब ये पहाड़ी रास्ते ख़त्म होंगे तो कवरअप तो कर ही लेगी लास्ट तक, लेकिन हाँ डिले तो होगा हमें पहुँचने में, भले ही वो आधे घंटे का हो या एक घंटे का हो, नहीं कहा जा सकता है कुछ। शायद क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन ये काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिनके बीच से ये ट्रेन निकलती है। इवन इन पहाड़ों में से पानी भी निकलता दिखेगा, झरना झील जैसे निकलते हैं उसी हिसाब से, उसी तरह आपको कई कई जगह पे आपको पानी भी निकलते दिखेगा। नीचे आप देख सकते हो पानी लगा हुआ है, ये झील झरने की तरफ भूमिगत जल अंडर वाटर जो होता है वो बाहर आ रहा है, देख रहे हैं आप झरने की तरफ, और ये हमेशा रहता है, लगभग हर टाइम ही रहता है ऐसा। और इसको देखने के लिए बहुत ही लोग उत्साहित होते हैं, लेकिन सूर्य इतना बुरा चला रहे हैं और ये एक यहाँ का प्लस पॉइंट है, और बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर फील आता है यहाँ पर देखने के लिए। लगा भी था दोस्तों ट्रेन आधे घंटे डिले हो गई है, मैं जानता हूँ ये आगे चल के रिकवर जरूर हो जाएगा क्योंकि ट्रेन की स्पीड पता चल जाता है स्पीड से, लेकिन फिर भी हमें तो आधा घंटा डिले ही पहुँचना है अपने सोनभद्र पे। बाकी ट्रेन अपने स्पीड मिनिमम स्पीड पर चल रही है और बाहर के नज़ारे आपको दिखाता हूँ, बने रहिए हमारे साथ।
मात्र आधे घंटे या कह लें 25 मिनट के करीब डिले चल रही है और आई थिंक ये भी रिकवर कर लेंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर क्रॉसिंग का भी चक्कर है और हालांकि ये पहाड़ी जाता है तो वहाँ पर आप फ्री लाइन दो लाइन नहीं देखने को मिलता है, सिंगल लाइन है, सेकेंड लाइन तैयारी है। लेकिन ऐसी जगहों पर सेकेंड लाइन बनाने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, ये तो सभी लोग पता है, पहाड़ काटना, पुल बनाना, बहुत सारे प्रोसीजर है, तो ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा सेकेंड लाइन बनने में, तो इसकी वजह से थोड़ा डिले तो होना ही होना है। दोस्तों हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं, हमारी जर्नी ख़त्म हो गई है, तो इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।